तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में मंदिरों को न खोलने और दही हांडी जैसे उत्सवों पर रोक के लिए बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आक्रमण रूप ले लिया है। बीजेपी ने सीधे उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। महाराष्ट्र सरकार की पाबंदी के बावजूद कई जगहों पर आज दही हांडी उत्सव मनाने और मटकी फोड़ने का कार्यक्रम का ऐलान हुआ था। इससे प्रकार और विपक्षी दलों के बीच ठन गई है। बीजेपी ने मंदिरों को न खोलने जाने को लेकर मंदिरों में शंखनाद कार्यक्रम का ऐलान भी किया था। मुंबई और महाराष्ट्र में मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दूसरे दिन दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र भर में उत्सव से गोविंदा की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल भी ठाकरे सरकार ने दही हांडी उत्सव पर पाबंदी लगा दी है। इसे लेकर दही हांडी मंडल, NSS और बीजेपी में नाराजगी है। हालांकि कुछ जगहों पर जबरदस्ती दही हांडी आयोजन की घोषणा की है। इसकी वजह से कल से ही मुंबई पुलिस ने NMS और बीजेपी के नेताओं को 149 की नोटिस देना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन इसके बावजूद थाने में MNS में रात में ही मटकी फोड़कर दही हांडी उत्सव मनाया। वहीं बीजेपी के विधायक राम कदम का कहना है कि रात में उनके घर के नीचे पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। कदम ने दावा किया है कि सरकार चाहे जितना पुलिस लगा ले, हम राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर घाटकों पर पुलिस थाने जाएंगे। राम कदम ने यह भी आरोप लगाया है कि ठाकरे सरकार हिंदुओं पर तो प्रतिबंध लगाती है, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए रात में मंत्रालय खोलती है। राम कदम ने शिवसेना को सोनिया सेना भी बताया है।